नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोविड 19 के एक दिन में सर्वाधिक 64,399 नए मामले आने के साथ ही रविवार को संक्रमण के कुल मामले 21,53,010 हो गए हैं, जबकि अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 14,80,884 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़े के अनुसार 861 और लोगों ने दम तोड़ने से मृतकों की संख्या 43,389 हो गई है। भारत में पॉजिटिविटी रेट 8.95% पहुंच चुकी है। 8 अगस्त को देश में सबसे ज्यादा टेस्ट भी किए गए। आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त को 7,19,364 लोगों का सैंपल लिया गया, जबकि अब तक कुल 2,41,06,535 लोगों की जांच की जा चुकी है। 21 लाख के चिंताजनक आंकड़ों तक पहुंचने में भारत को 192 दिनों का समय लगा है, जबकि पहले 1 लाख होने में 110 दिन का समय लगा था। इसके बाद 82 दिनों में 20 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि अब रोजाना नए मामलों की संख्या 60,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि जानकार मानते हैं कि टेस्ट की संख्या बढ़ने की वजह से भी मामलों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र अब भी कोरोना के मामलों में टॉप पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहां 12,822 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 10,080, कर्नाटक में 7,178, तमिलनाडु में 5,883 और उत्तर प्रदेश में 4,660 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों के मामले में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां पिछले 24 घंटों में 275 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 118, आंध्र प्रदेश में 97, कर्नाटक में 93 और पश्चिम बंगाल में 51 लोगों की मौत हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। यहां अब तक 51,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 54,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए, जबकि 976 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में संक्रमण के 24 घंटे में 65,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। ब्राजील में बीते दिन 841 मौत के बाद यहां कुल मौत का आंकड़ा 1,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बीते दिन सबसे ज्यादा मामले भारत और अमेरिका में सामने आए हैं। दुनिया भर में पिछले दिन 2,61,000 मामले सामने आए, जबकि 5,604 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,97,00,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 7,28,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,27,00,000 के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में अभी भी 63,51,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। दुनिया के 19 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,00,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे ज्यादा मौत के मामले में पांचवें नंबर पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।